राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर गहलोत और पायलट कैंप के बीच अदावत की लकीरें खिंच गई है। खबरों के मुताबिक दोनों गुटों की ओर से एक दूसरे पर जुबानी हमले तेज हो गए हैं। गहलोत कैंप के मंत्री रामलाल जाट ने सचिन पायलट का नाम लिए बिना जहां उन्हें दोगला तक बता दिया, वहीं पायलट कैंप के मंत्री हेमाराम चौधरी ने पलटवार करते हुए इशारों में सीएम गहलोत को आड़े हाथों लिया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है, इसी को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने संगठन की कड़ियों को भी कसना शुरू कर दिया। इसे लेकर 2 अप्रैल को जयपुर में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में जहां नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने 2023 की चुनौतियों के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, वहीं इस बैठक में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राजेंद्र राठौर की नियुक्ति की गई। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को उप नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। 2 अप्रैल को राजधानी जयपुर के मानसरोवर में SC/ST महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी पहुंचे, लेकिन उनको भरे मंच पर बोलने से रोका गया। इसके बाद नाराज होकर मंत्री कार्यक्रम छोड़कर निकल गए। वहीं मंत्री गोविंद मेघवाल के जाने के बाद मंत्री ममता भूपेश, मंत्री टीकाराम जूली, मंत्री भजनलाल जाटव, विधायक प्रशांत बैरवा समेत कई नेता महापंचायत छोड़कर चले गए। जाट और ब्राह्मण महासम्मेलन के बाद अब प्रदेश के राजपूत समुदाय ने भी चुनाव से पहले अपना शक्ति प्रदर्शन किया। बता दें कि जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में करणी सेना की ओर से केसरिया महापंचायत का आयोजन किया गया। वहीं राजपूत समाज ने सम्मेलन के दौरान मांग की कि सरकार पिछड़े स्वर्ण को आयु और सरकारी योजनाओं में छूट दे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2 अप्रैल को नवोन्मेष फाउंडेशन की ओर से नवोन्मेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिंदू इकोसिस्टम के संस्थापक और अध्यक्ष कपिल मिश्रा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। कपिल मिश्रा ने कहा कि जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे और जो रामलला को टेंट में देखना चाह रहे थे, आज उनके ही बंगले खाली हो रहे हैं। चुरू के सरदार शहर थाना इलाके में एक मां ने अपने 2 मासूम बच्चों को पानी के कुंड में धकेल कर मार डाला। खबरों के मुताबिक कुंड में डूबने से 3 साल की बहन और उसके 7 महीने के भाई की मौत हो गई। वही घटना के बाद मृतक बच्चों के पिता का आरोप है कि बच्चों की मां ने ही दोनों को कुंड में डालकर हत्या कर दी। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने पिता की शिकायत पर महिला को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ फिलहाल की जा रही है। बताया जा रहा है कि बच्चों को कुंड में फेंकने के बाद महिला खुद भी सुसाइड करना चाहती थी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर खाकी का रौब देखने को मिला, जहां एक पुलिस कांस्टेबल ने कानून को हाथ में लेते हुए अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक युवक का अपहरण कर लिया। अपहरण के बाद कांस्टेबल ने परिजनों से फिरौती की डिमांड कर डाली। युवक के अपहरण की जानकारी मिलते ही जब परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने कांस्टेबल की 20 सड़क ही जमकर धुनाई कर डाली। वही घटना की जानकारी मिलते ही कानौता थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गुस्साए परिजनों से कांस्टेबल को छुड़ाया। राजस्थान के चुरू जिले से एक भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां चुरू जिले के सादुलपुर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर एक ट्रक और पिकअप के बीच टक्कर हो गई। वहीं इस भीषण टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक डोकवा रतनपुरा गांव के बीच देर रात करीब 1 बजे हादसा हुआ, जिसमें सालासर बालाजी से दर्शन कर लौट रहे हरियाणा के एक परिवार के 5 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं हादसे में 6 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मृतकों में 3 बालक और 2 महिला शामिल हैं और सभी मृतक एक ही परिवार के थे। राजस्थान में एक बार फिर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। उदयपुर के मावली थाना इलाके में एक 8 साल की नाबालिग बच्ची की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। खबरों की माने तो जिले में 1 अप्रैल को 8 साल की मासूम का शव कई टुकड़ों में कटा हुआ बरामद किया गया। वहीं मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि लोपड़ा गांव में एक खंडर मकान में बालिका का शव पाया गया, जिसके बाद मौके पर मावली पुलिस के कई आला अधिकारी भी पहुंचे। वहीं पता चला कि 29 मार्च को बालिका के घर से लापता होने के बाद उसकी गुमशुदगी की एक रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई गई थी।